Because you people haven't asked any questions, so I'm assuming के कल तक हमने जितना भी पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया है. तो फिर हम आज interrogative pronouns के साथ continue करते हैं. Interrogative pronouns कौन से होते हैं? The way you all are unfamiliar, sorry, you all are familiar with the word interrogative. Interrogative का मतलब होता है to inquire, to ask question, to interrogate something, ठीक है? To investigate something. जब आप किसी चीज की inquiry करते हैं, investigation करते हैं, के बारे में questioning करते हैं, right? हम उसको बोलते हैं interrogative. तो जब interrogative pronouns की बात आती है, तो ये वो नाम्स होते हैं जिनको हम question करने के लिए use करते हैं, right? ये वो pronouns होते हैं जिनके आंसर में नाउंस मिलते हैं, राइट? रिकॉर्डिंग के पीछे क्या है? दे आर सिमिलर टू रिलेटिव प्रोनाउंस बट डिफरेंट इन यूसेज. अब अगर आपको याद हो, कल हमने जो रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस किया था, उनमें हमने देखा था कि हम रिलेटिव प्रोनाउंस दैट हु, व्हाट, व्हिच, होम, इन सबको यूज करते हुए रेफर बैक करते हैं towards the back, the precedented statement. Precedent का मतलब होता है पहले आने वाला, right? तो हमने जो एक pre-mentioned precedented action या person या place या thing की तरफ refer करने के लिए जिन pronouns को use किया था वो थे हमारे relative pronouns, क्योंकि हम refer back कर रहे थे ना, relate कर रहे थे with a previously mentioned now, right? So humne ek sentence karke staff se discuss kiya tha. I don't exactly remember the sentence. The boy who worked hard stood first in the class. Ab agar hum ye sentence dekhen, तो यहाँ पर हम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? तो ये डब्ल्यू एच वर्ड, राइट? वो हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये किस तरह का रेफर कर रहा है? बॉय को रेफर कर रहा है. हम किस की बात कर रहे हैं? हम वो किसी कह रहे हैं? हम इस बॉय को वो कह रहे हैं जिसने हार्ड वर्क का एक्शन परफॉर्म किया, राइट? द बॉय हु वर्क्ड हार्ड. तो ये तो हमारा रिलेटिव था. अब हु same word है, लेकिन यहाँ पर कैसे use हो रहे हैं? Question के form. हमने यहाँ तो question ही लगा, question mark ही लगाया इस end पर. हम यहाँ पर question mark लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर who ने हमारे sentence को question में transform कर दिया है. Interrogative sentence में transform कर sentence. देखिए, who is there? इसका answer क्या हो सकता है? इसका पॉसिबल आंसर एक प्रोनाउन, सॉरी, एक नाउन फॉर्म में होगा जो प्रोबेबली किसी का नेम होगा, किसी पर्सन का. उसका नेम बोल देते हैं, तो इसका मतलब कि इस प्रोनाउन को हमने एक नाउन से रिप्लेस किया, राइट? तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर डब्ल्यू एच जो है ये हमारा प्रोनाउन है और क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. व्हाट डू यू नीड? अब इस केस में क्या हो, देखिए, व्हाट डू यू नीड में अगेन हम कुछ इंक्वायर कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेट जब हम कर रहे हैं और व्हाट की बात कर रहे हैं, तो व्हाट के रेस्पॉन्स में हमारे पास आंसर में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा ना. व्हाट डू यू नीड के रेस्पॉन्स में एन एडवाइस भी आ सकता है, अ बॉल भी आ सकता है, अ पेन भी आ सकता है, अ नोटबुक भी आ सकता है,
राइट। तो व्हाट डू यू नीड के रिस्पांस में हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हु के रिस्पांस में हमारे पास कोई पर्सन आ जाएगा, और होम के रिस्पांस में भी हमारे पास पर्सन आ जाएगा। अच्छा, व्हिच की यूज होता है इस ऑब्जेक्ट का? Which country did you visit? ठीक है, तो which हम कहाँ यूज करते हैं? हम नॉन ह्यूमन कैटेगरीज जो होती है हमारे पास, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके उनको इंक्वायर करने के लिए, उनके बारे में कुछ इंटरोगेट करने के लिए हम which को यूज करते हैं। ठीक है, which country did you visit? Right? अब इनका यूज कैसे होता है? अगर हम इनडायरेक्ट सेंटेंस, ये तो हमारे डायरेक्ट सेंटेंसेस थे ना जिनमें हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को यूज किया, अब आ जाते हैं डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस, कि हम इनको इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो, आई आस्क हु वाज देयर, अब ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस। किसका इनडायरेक्ट सेंटेंस है? ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन था, who's there, right? जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरह से आता है, I asked who was there, right? इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, what do you need? जब हम इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरह का आता है, I didn't know what he needed, right? अब ये बिल्कुल इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म है हमारे पास। क्वेश्चन भी आ रहा है what he needed, लेकिन हम इसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा रहे, क्योंकि क्योंकि हमने इसको स्टेटमेंट में चेंज कर दिया, स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखिए क्वेश्चन की इंक्वायरी तो अभी भी वैलिड है ना, हु वाज देयर और आई आस्क्ड हु वाज देयर, राइट। इसी तरह व्हाट ही नीडेड, इस क्वेश्चन की भी इंक्वायरी अभी तक वैलिड है, आई डिडंट नो हु वाज व्हाट ही नीडेड, राइट। लेट्स कम टू वर्ड्स केसेस ऑफ इंटरोगेटिव नाउन, सॉरी cases of interrogative pronouns. अब वैसे तो हमें पता है कि प्रोनाउंस में थ्री ही केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस आ जाते हैं, पोजेसिव केस आ जाते हैं, एक्सक्लूसिव केस आ जाते हैं। हम इनको इंटरोगेटिव नाउंस में कैसे डिस्कस करते हैं या कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर हमने ये बात डिस्कस करनी है। सेंटेंस देखिए, who gave you that book? यहाँ पर कौन सा नाम यूज हो रहा है? नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है किसी भी, अगर नाम के परस्पेक्टिव से सिंपली अगर हम डिस्कस करें तो नॉमिनेटिव केस वो वाला केस होता है जो हमारे सब्जेक्ट को की तरफ रेफर कर रहा होता है, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, राइट। इसी तरह जो पोजेसिव केस होता है वो जो हमारा हमारा नाम पोजेशन को शो कर रहा होगा वो हमारा पोजेसिव केस होगा, और जो नाउन हमारा ऑब्जेक्ट की प्लेस कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, वो हमारा एक्सक्लूसिव केस। अब नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में क्या आता है? एक्शन का परफॉर्मर आता है, सब्जेक्ट वही होता है ना जो एक्शन को परफॉर्म करता है। तो नॉमिनेटिव केस में हम उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं, उन नाउन्स को देखते हैं जो हमारे वर्ब या एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। पोजेसिव में हम उन नाउन्स को देखते हैं जो हमारे पोजेशन के केस को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं अबाउट पोजेशन ऑफ समथिंग या अबाउट रिलेशन ऑफ समथिंग विद समथिंग एल्स, राइट। इसी तरह एक्सक्लूसिव केसेस कौन से होते हैं? जो हमें ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
the cases that are pertaining to the nouns that are used as an object in the sentence. उन objects की तरफ, उन nouns की तरफ refer करता है accusative case, जो nouns हमारे पास as an object use हो रहे हैं, right? अब हम देखते हैं कि pronouns में किस तरह का, तो pronouns का nominative case वो होगा जो जो noun के nominative case को replace करेगा, right? अब example देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास school है nominative case, और usually nominative case में हमारे पास human beings आ रहे हैं, right? So who gave you that book? अब यहाँ पर हम से किसको रिप्लेस किया जा रहा है, किसी पर्सन के नेम को रिप्लेस किया जा रहा है, राइट? हम इसका आंसर एक हाइपोथेटिकल का आंसर देख सकते हैं, अब देखें या इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, अमना गेव मी दैट बुक, या फिर यहाँ पर आप कोई भी अपनी चॉइस का नाम लगा, बट इन द एंड आइदर क्या हमारे पास कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई नेम आएगा किसी नाम, राइट, कोई पर्सन आएगा यहाँ पर। तो जब हम नेम को देखते हैं, अब आप इसको इस सेंटेंस को थोड़ा सा करते हैं, अमना गेव मी दैट बुक, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अमना जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस में आ रही है, नॉमिनेटिव केस में आ रही है, राइट? अमना तो हमने रिप्लेस कर दिया हु के साथ, तो फिर हमारे पास हु किस प्लेस पर आएगा, उसका क्या स्टेटस होगा, नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ठीक है, हु हमारे पास नॉमिनेटिव प्रोनाउन की तरह आ रहा है। पोजेशन के केस का डिस्कस करते हैं, पोजेसिव केस। अब जब हमने देखा कि पोजेसिव केस जो नाम का होता है उसमें क्या हो रहा होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट की या किसी ह्यूमन बीइंग किसी ऑब्जेक्ट की पोजेशन को करते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशन को किया जाता है, राइट? तो जब हम पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन देखते हैं, तो पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन में हम वो वाले प्रोनाउन्स को यूज करते हैं जो हमारे पोजेसिव नाउंस को रिप्लेस करते हैं, राइट? तो जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हुज ऐसा वर्ड है जो पोजेसिव प्रोनाउंस को, सॉरी, पोजेसिव नाउंस को रिप्लेस करता है, इसलिए हम इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है? इंटरोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस कर दिया पर, और जब क्वेश्चन भी कर रहा होगा तो फिर इंटरोगेटिव हो जाएगा ना। इस केस में देखें, whose book is this? अब इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम जिस पर्सन की वो बुक है उसका नेम मेंशन करते हैं, लेकिन नेम किस तरह से मेंशन करते हैं, नाउन के जेनेटिव केस में, नाउन के जेनेटिव केस में क्या होता है, ये होता है नाम का जेनेटिव केस, जिसमें हम क्या करते हैं, नेम के साथ, नाम के साथ एपोस्ट्रोफी और एस का एडिशन करते हैं कॉमनली, ठीक है? तो यहाँ पर अब हमारे पास अमना सिंपल सब्जेक्ट नेम ही है, अमना हमारे पास पोजेसिव केस है नाम का, राइट? जब हम देखते हैं कि पोजेसिव केस को एक प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया, तो फिर वो प्रोनाउन क्या होगा, वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होगा। लेकिन उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन कुछ इंट्रोगेट कर रहा है, कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन पर बात आती है और इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव पजेसिव प्रोनाउन, राइट?
सपोज हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है और इस केस में जब ये इंक्वायरी कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन। हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से डिस्कस करते हैं। बात आ जाते हैं थर्ड केस। थर्ड केस है हमारा एक्विजिटिव केस, राइट। एक्विजिटिव केस कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है ना नाम का, अगर नाम की सेंस में बात, तो नाम का एक्विजिटिव केस होता है ऑब्जेक्टिव, जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जब हम एक्विजिटिव केस ऑफ नाउन को रिप्लेस करते हैं किसी प्रोनाउन के साथ तो वो हमारा एक्विजिटिव प्रोनाउन बन जाता है, और जब हमारा एक्विजिटिव प्रोनाउन कुछ इंट्रोगेट करना शुरू करता है, कुछ इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है, तो वो एक्विजिटिव प्रोनाउन हम ले आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी, राइट। अभी देखिए, टू हू यू गेव दिस बुक, राइट। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म इंट्रोगेटिव एक्विजिटिव प्रोनाउन की केस में आ रहा है। रीजन देखते हैं। एक बार तो ये कि इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? इसका पॉसिबल आंसर होगा टू होम डू यू गेट दिस बुक। To whom you gave this book, the possible answer was that I gave this book to Fatima. अब ये देखें, to whom, to Fatima. Structure बिल्कुल बन ही रहा है ना? You gave this book, I gave this book, right? तो हमारे पास जो सिर्फ changes आए हैं, वो ये है कि हमने इस interrogative pronoun को replace किया है एक noun के साथ, right? तो जो हमारे अब यहाँ पर देखिए, एक तो हमने फातिमा को प्रोनाउन से रिप्लेस किया, तो नाम क्या था? होम। ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये देखिए सब्जेक्ट इस केस में हमारे पास सारे आए, बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, फातिमा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन फातिमा हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम होम को फातिमा से रिप्लेस कर देते हैं जब हमने होम को, सॉरी, जब हमने फातिमा को किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना होता है, राइट। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को, सॉरी, नाउन के ऑब्जेक्ट केस को प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस से रिप्लेस करना है तो हम वहां पर यूजली होम यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर भी देखिए, whom do you want to meet, तो ऑब्जेक्टिव केस है ना। यहाँ पर भी to whom you gave this book, whom यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। देखिए ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है। उसके अलावा आप ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। इसका मतलब whom कुछ इंट्रोगेट कर रहा है, कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, राइट। तो जब हम एक्विजिटिव प्रोनाउंस को कुछ इन्वेस्टिगेशन के पर्पस परफॉर्म करते हुए देखते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये इंट्रोगेटिव एक्विजिटिव प्रोनाउन, राइट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर वर्ब्स को मूव करते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं?
वर्ब्स की एक डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ी होगी हमेशा से कि ये एक्शन होते हैं, ठीक है, ये कोई टास्क होता है जो परफॉर्म किया जा रहा होता है. बट हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे तो उसमें हमने इसमें एक और भी छोटी सी बात ऐड कर दी थी कि ये स्टेट ऑफ बीइंग भी होते हैं. किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी नाउन की जो स्टेट ऑफ बीइंग होगी हम उसको वर्ब कहेंगे. जैसे लाइन, अब लाइन कोई एक्शन तो नहीं है ना, लाइन तो सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग है, राइट. तो जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो हम उसको भी एक्शन में इंक्लूड करते हैं. अच्छा, पहली बात तो ये आती है वर्ड्स के लिए, इट टेल्स और असर्ट्स समथिंग अबाउट द नाउन, ठीक है. लेकिन ये वर्ड्स नहीं होते हैं, सॉरी, ये एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं. वर्ड्स जो होते हैं एडजेक्टिव से इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस का मैंडेटरी पार्ट नहीं होता. सेंटेंस कैन वर्क वेल विदाउट एन एडजेक्टिव, बट व्हेन इट कम्स टू वर्ड्स दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस, राइट. यही वजह है कि हम इनको डेराइव करते हैं फ्रॉम लेटिन वर्ड वर्बम. जो वर्बम वर्ड है ये हमारी स्पीच से आता है, ठीक है. जो वर्ड्स है ना, जैसे वर्ड्स के सिमिलर है ये वर्बम वर्ड लैटिन लैंग्वेज में. इसकी वजह क्या है कि वर्बम वर्ब को सॉरी वर्ब्स को हम वर्बम से डेराइव करते हैं क्योंकि ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं इन अ सेंटेंस. सेंटेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो वर्ब्स होते हैं. आपका सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर काम कर लेगा, आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बगैर हो जाएगा, बट देयर कैन बी एनी सेंटेंस दैट वॉन्ट बी हैविंग अ वर्ब इन इट, राइट. हमारा कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता. एग्जाम्पल दे देती हूँ, अभी सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट एब्सेंट है, राइट. लेकिन क्लोज द डोर या क्लोज इट, राइट. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एब्सेंट है, ठीक है, हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर रहे. इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी सेंटेंसेस की फॉर्म आती है. पहले सेंटेंस के केस में क्लोज द डोर में हमारा सब्जेक्ट एब्सेंट है, ठीक है. And the sentence is working quite well in the absence of subject. Subject के बगैर भी sentence complete है ना, complete meaning भी convey कर रहे हैं, complete structure भी दे रहा है. इसी तरह next sentence देखते हैं, the boy runs. यहाँ पर हमारे पास कोई object नहीं है, ठीक है. ये the boy हमारा subject है, runs हमारा object है. इस case में हमारे पास कोई object नहीं है, runs हमारा word है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी द सेंटेंस इज वर्किंग क्वाइट वेल. इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ड हमारे पास कॉमन आ रहा है, राइट. तो हम क्या कहते हैं कि वर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस. नो सेंटेंस can work without this word verb, right. ये जो part of speech है ना हमारा verb, इसके बगैर sentence हमारा complete नहीं होता. इसलिए हम इस word को derive करते हैं verbum से, और verbum का meaning है word,
ठीक है, स्पीच से आता है हमारे पास, वर्ड्स की हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, एक है ट्रांजिटिव वर्ड्स और एक होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ड्स। पहले देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ड्स को। ट्रांजिटिव वर्ड्स होते हैं जहां पर ट्रांजिशन ऑफ एक्शन हो रही होती है। द वर्ड ट्रांजिटिव इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जब हम एक फेज से या एक एक ऑब्जेक्ट से एक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं टुवर्ड्स एनी अदर ऑब्जेक्ट, राइट। और हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ड्स की केसेस में क्या होते हैं, एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा होता है, हमारा सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें एक्शन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है फ्रॉम सब्जेक्ट to object। फिर हमारे पास इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, जिनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ड। Why? Because no transition is taking place here. कोई transition नहीं हो रही होती। जो action होता है subject का, वो subject के साथ ही रहता है, वो किसी और object पर transfer नहीं होता। और दूसरी बात हम इन cases में क्या देखते हैं कि intransitive verbs में या वो sentences जिनमें verb intransitive verbs आ रहे होते हैं, वहां पर कोई object नहीं आ रहा होता। Object अनडिफाइंड होते हैं या फिर एब्सेंट होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन की ट्रांजिशन होती है, राइट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। एक्शन ट्रांसफर हो जाते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फ्रॉम डूअर doer से receiver की तरफ action transfer हो जाता है। example देखें, the horse is ridden by the rider। या फिर इसको अगर simple sentence पे देखना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। दोनों सिचुएशन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर हॉर्स हमारे पास सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है और राइडर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, राइट। और इस केस में हमारे पास राइडर सब्जेक्ट के प्लेस पर है और हॉर्स ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। एक्शन क्या है, राइडिंग का एक्शन है, राइट। तो एक्शन इस केस में हॉर्स से ट्रांसफर हो रहा है राइडर पर। और डायरेक्ट केस में या फिर सिंपल सेंटेंस अगर देखें तो राइडर से ट्रांसफर हो रहे हॉर्स पर, राइट। और एक्शन की ट्रांसफरेंस यहाँ पर हो रही है, ट्रांजिशन यहाँ पर हो रही है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते। जो एक्शन है वो हमारे सब्जेक्ट तक रिटेन्ड नहीं रहता, हमारे सब्जेक्ट तक एसोसिएटेड नहीं रहता, रादर इट इज ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या हो रहा है, शी एट एन एप्पल। अब शी हमारे पास सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन के केस में आ रहे हैं, राइट। एट हमारा एक्शन है, वर्ब है, और एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, एप्पल पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ना। अब आप देखें कि ईटिंग का जो एक्शन है वो किसमें परफॉर्म किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। एप्पल पर ईटिंग का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस। जब इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ जाते हैं तो इनकी मेन बात आपने ये याद रखनी है हमेशा कि इन सेंटेंसेस में
कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जो ऐसे सेंटेंसेस हम लिखना चाहते हैं ना जिनमें हम ऑब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं करना चाहते या फिर ऑब्जेक्ट को अननॉमिनेटेड रखना चाहते हैं, वहां पर हम इंट्रांसिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। एक तो बात के देखिए, नो ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस, नो ट्रांसफरेंस ऑफ एक्शन। तो जो इनट्रांसिटिव वर्ड्स होते हैं उनमें कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही होती, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा होता एक्शन का फ्रॉम ड्यूअर टू रिसीवर, राइट। दूसरी बात ये कि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब आप इन चीजों को अच्छे तरीके से आपस में इंटरलिंक करें, इंटर रिलेट करें, आप इस बात को याद रखें कि जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में तो एक्शन का ट्रांजिशन किस पर होगा, राइट। तो एक्शन तो स्टे करेगा ना हमारे डूअर के साथ, हमारे सब्जेक्ट के साथ। अब आप एग्जाम्पल देखें, The boy ran. इसमें subject है the boy, ran है हमारे पास verb, object तो है ही नहीं, तो फिर action किसके साथ stay करेगा? Action definitely boy के साथ, subject के साथ ही related रहेगा। ये किसी भी object पे, किसी भी और entity पे transfer नहीं किया जा सकता। इसी तरह the wind blows, इसमें subject है हमारा the wind, ब्लोज हमारा वर्ब है। तो द विंड ब्लोज में हमारे पास ब्लोज जो है ये इनट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि एक्शन को हम कहीं पर भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन एक और केस देखिए, अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड, सॉरी ऑब्जेक्ट ऐड करें तो फिर क्या होगा? The wind blows over the the wind blows over the tent. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो blowing का action है वो transfer हो रहा है tent पर, किसी object पर, किसी entity पर action को transfer किया जा सकता है, right? तो इस case में अब blows हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है, इट्स नो मोर एन इनट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो इस तरह से हम समटाइम्स ट्रांजिटिव वर्ब्स को और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को आपस में इंटरचेंज भी करते हैं, और हम इसको तो वी डोंट हैव इनफ टाइम टू डिस्कस इट टुडे, सो वी विल कंटिन्यू इन टुमारोस क्लास फ्रॉम राइट हियर। हम एक्शन सॉरी वर्ड्स की ट्रांजिशन को डिस्कस करेंगे कि ये ट्रांजिटिव से इनट्रांजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, या फिर इनट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और कौन से केसेस होते हैं जिनमें हमारे पास सेम वर्ड्स ट्रांजिटिव की तरह एक्ट करते हैं या फिर इनट्रांजिटिव की तरह एक्ट करते हैं, राइट। इफ यू वुड बी हैविंग एनी क्वेश्चन सो फार, आप उनको ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अदरवाइज यू मे आस्क देम टुमारो, और हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। सो डू गिव इट अ रिवीजन इन केस यू वुड बी हैविंग एनी क्वेरीज, दैट टू वुड बी अकम्पनी टुमारो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।